कैसे हैं आप लोग? परेशान होंगे तो बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी सीजीएल 2023 के प्री का पेपर स्टार्ट हो गया है। 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच पेपर है। हर रोज 4 शिफ्ट हो रही है। लगभग 20 या 23 लाख लोग पेपर देंगे ये पता नहीं है, लेकिन भरे हैं लगभग इतने ही लोग। फॉर्म इस वजह ज़्यादा पड़ता है क्योंकि एसएससी फॉर्म 100 रुपये का है। अभी 1,000 रुपये कर देना, 8 लाख लोग नहीं देंगे। तो पेपर इस वजह से ज़्यादा देने जाते हैं क्योंकि फॉर्म सस्ता है, सेक्सी लगता है ना भाई। 100 रुपये फॉर्म में भर दिया, 100 रुपये क्या ही है, मतलब क्या ही मैटर करता है। 500 तो हम कोर्स ले लेते हैं, तो 100 रुपये में तो हम कुछ भी ले लेंगे। पेपर का रिव्यू करने के लिए मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे, देखो साला लाइट बंद हो गई, थोड़ा अंधेरा लगने लगेगा। खैर, क्वेश्चन है ये देखिए जीएस का कि लाइट होने के कितने सेकंड बाद आपके आंखों के सामने अंधेरा छाता है। मजाक में मत लिया करिए कंटेंट को। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट आता है। मैथ रीजनिंग ऐसा है कि तुम किसी मास्टर से पढ़े हो, किसी मास्टर से नहीं पढ़े हो, बात एक ही है, तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे, मैथ आसान आ रहा है। लेकिन जीएस अगर तुम किसी मास्टर से पढ़े हो या किसी मास्टर से नहीं भी पढ़े हो तब भी नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे भाई। जीएस का लेवल एकदम अलग। अभी बात करते हैं इंग्लिश की, बात कर लेते हैं। इंग्लिश भाई ऐसी है कि तुम मान लो हिंदी मीडियम के हो और तुम्हारी ठीक ठाक इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग हो गई, इंग्लिश कर ले जाओगे, दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत खाली आ रही है जनरल स्टडीज पे। जनरल स्टडीज अब जनरल नहीं रह गया है, दूर दूर तक इसकी कोई जनरलिटी नहीं रहेगी, कोई भी इसकी रिलेटिबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी इसकी रिलेवेंसी नहीं रहेगी। बहुत सारा होकर मैंने याद किया, ऐसे मजाक में मत दिया करो कंटेंट को भाई। कुछ भी पूछ ले रहा है उसमें, नाच गाने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि कौन कहाँ नाच रहा है, कौन कहाँ पर कैसे बजा रहा है, भाई मुझे क्या पता है कौन किस घराने से जुड़ा है। मैं घर घर बैठ के झांक थोड़े रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। पसीना निकल रहा है, पसीना कितने सेकंड बाद यहाँ से यहाँ पहुंचा बताओ, क्वेश्चन है देखिए ये। या पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी बता सकते हैं। जी एस में पूछा जा सकता है, देखो मजाक में मत लेना। अब भाई मतलब एसएससी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ऐसे ही बना ले रही है कि भाई ये ताला इसमें से ठक ठक किया कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हुई है। यहाँ पर तुम्हारा सिगरेट रखा हुआ है, तो ये सिगरेट अगर तुम उठाए, अगर तुम इसको आधा पी रहे हो तो कितने साल बाद तुम मर जाओगे। ये बोतल रखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ रख देता हूँ, ये बोतल यहाँ रखा, ये इसे रखा, ये हल्का सा हिल रहा है, तो कितना कंपन उत्पन्न कर रहा है पर सेकंड, क्वेश्चन है देखिए सब एसएससी का। और करंट अफेयर्स ऐसा पूछ रहा है कि भाई साहब उसमें करंट लग जाए। करंट अफेयर्स अब करंट अफेयर्स नहीं रहा, वो इतिहास हो चुका है, 1998-99 का पूछ रहा है। क्या चाह रहे हो भाई, तुम खुद खोजना चाह रहे हो है? उठो, 2023 चल रहा है करंट अफेयर्स बनाने वालों, तुम लोग तो साला वही 1998-99 में भी अभी सो रहे हो क्या? जितने निब्बे यूट्यूबर, जितने मास्टर वास्टर, ये सब बकचोदी कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, सब हमारे में से आ रहा है, सब हमारे में नहीं आ रहा है। भाई इन सबसे दूर रहो, खाली अपना पढ़ो, मॉक देते रहो बस, और कुछ करना उड़ना नहीं है। रिव्यू मैं देता रहूंगा, बता देना कैसा रिव्यू लगा यार तुम लोगों को। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, एक तो गर्मी लग रही है साला, और गर्मी बताओ कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर जाने पर गर्मी ज़्यादा लगना स्टार्ट करती है, ये भी देखिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मिलते हैं यार नेक्स्ट एपिसोड में, बताना वीडियो कैसी लगी। आज 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है यार कि तुम लोग वीडियो मेरी देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आम इंसान को खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।